हेलो एवरीवन स्वागत आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर एट किसान जमींदार और राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए सोलहवीं से सत्तरवीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब पिचासी फीसदी लोग जो थे कहाँ रहते थे गाँव में रहते थे ठीक है छोटे खेतीहर और भूमि हर सम्राट दोनों ही किससे जुड़े थे कृषि उत्पादन से जुड़े थे सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ आईने अकबरी जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है ठीक है गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज भी जो है इस काल के स्रोत हैं रैयत मुजरियान खुद काश्त पाही काश्त किसानों के लिए ये इस्तेमाल किए गए शब्द हैं मानसून जो था भारतीय कृषि की रीड था मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी एक खरीफ पतझड़ में और दूसरी रबी बसंत में कपास और गन्नी जैसी फसलें बेहतरीन जीन से कामिल थी सर्वोत्तम फसलें थी तिलहन और दलहन भी जो थी ये नकदी फसलों में आते थे मध्य भारत एवं दक्षिणी पठार की जमीन पर कपास उगाई जाती थी जबकि बंगाल जो था ये चीनी के लिए मशहूर था ठीक ग्रामीण समुदाय में तीन घटक थे गेती और किसान पंचायत और गांव का मुखिया गांव के मुखिया को मुकदम या मंडल कहा जाता था में मार, में मारवाड़ लिखी गई किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे वहां अक्सर पंचायतों में भी विविधता पाई, पाई जाती थी कृषि समाज में महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम तथा बुआई निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसलों का का दाना निकालने का काम करती थी ग्रामीण समाज में किसान और दस्तकारों के बीच जो फर्क करना मुश्किल था क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्मों का काम करते थे मसलन बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच खेती और किसान दस्तकारी का काम करते थे समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती हैं जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन इन्हें मिल्कियत कहते थे या फिर निजी संपत्ति कहा जाता था ठीक है मुगल कालीन गांव में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में की गई थी भू राजस्व के इंतजामा मात के दो चरण थे कर निर्धारण और वास्तविक वसूली इटली के एक मुसाफिर जोवानी कारीरी जो लगभग सोलह सौ ईस्वी में भारत से होकर गुजरात आने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी छोटे गणराज्य जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ का करते थे। समाज का एक वर्ग था और उससे वसूले गए राजस्व पर ही पूरा प्रशासन और राजतंत्र आधारित था इस काल में जमीन की बहुतायत मजदूरों की मौजूदगी तथा किसानों की गतिशीलता के कारण कृषि का लगातार विस्तार हुआ सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद मिलती थी पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहिर ऊपर उठा ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अलग पंचायत होती थी जजमानी क्या थी देखिए अठारवी सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार लोहार बढ़ाई सुनार आदि को उनकी सेवा के बदले रोज का बत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे इसी व्यवस्था को क्या कहते थे जजमानी कहते थे ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण करते थे मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण देखिए पोलस क्या थी वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक फसल की सालाना खेती होती और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है परोती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती पांच या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई है भू राजस्व मुगल प्रशासन की आमदनी का प्रमुख स्रोत था इसलिए पैदावार पर नियंत्रण रखने के लिए और विस्तृत होते साम्राज्य में राजस्व के आकलन तथा वसूली के लिए एक प्रशासनिक तंत्र का होना आवश्यक था इस तंत्र में दीवान का पद जो था महत्वपूर्ण था मुगल साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की रेख रेख जो थी दीवान के निर्देशन में ही होती थी तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं सोलवी सत्तारवी सदी में गांव में लगभग कितने फीसदी लोग रहते थे तो पिचासी फीसदी लोग रहते थे आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल मुगल कालीन दिल्ली प्रांत में मौसम के दो चक्रों के अनुसार कितनी किस्म की फसलें जो हैं पैदा होती थी तो राइट आंसर हो जाएगा तेतालीस ठीक है मुगलकालीन भारत के महत्वपूर्ण जिनसे कामिल निम्न में से कौन सी नहीं थी तो इनमें से पूछा है कौन सी नहीं थी सर्वोत्तम फसल तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का कपा, कपास गन्ना तिलहन थी मक्का नहीं थी ठीक है मुगल काल में गांव का मुखिया किस नाम से जाना जाता था तो मुकदम के नाम से जाना जाता था अकबरनामा कितने जिल्दों में रचा गया है तो अकबरनामा रचा गया है तीन जिल्दों में खै ऑप्शन मुगल साम्राज्य में भू राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी किस नाम से जाना जाता था तो इसे आ, कहा जाता था अमिल गुजार खै इटली का रहने वाला मुसाफिर जोवानी किस वर्ष भारत आया तो 1690 में जोवानी जो भारत आया था। जजमानी व्यवस्था बंगाल के जमींदारों लोहारों, बड़ई व सुनार आदि के बीच सेवा विनियम व्यवस्था की जानकारी किस सदी के स्रोतों से प्राप्त होती है तो राइट आंसर हो जाएगा 18वीं सदी के स्रोतों से मुगल काल में कौन सी धातु के सिक्कों का प्रचलन सर्वाधिक था तो मुगल काल में चांदी के सिक्कों का प्रचलन सबसे ज्यादा था ठीक है तो ये था चैप्टर नंबर एट थैंक यू सो मच